नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑफिस सील होने व राधेश्याम की गिरफ्तारी के करीब 5 माह के बाद भी पे आउट जारी न होने की वजह से हताश इन्वेस्टर्स का गुस्सा अब फूटने लगा है। राधेश्याम के भतीजे का आरोप है कि मंगलवार को काफी संख्या में इन्वेस्टर्स ने सीएमडी के आदमपुर की ढाणी सीसवा स्थित आवास पर पहुंचकर हंगामा किया। जब राधेश्याम के परिजनों ने इन्वेस्टर्स का विरोध किया तो इन्वेस्टर्स ने हाथापाई शुरू कर दी व उनको धमकाया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ राधेश्याम के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 8 इन्वेस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसआई कृष्ण कुमार ने जान शुरू कर दी है। साथ ही उनका कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। अगर किसी का पैसा फंसा हुआ है तो वह पुलिस से शिकायत कर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आरोपियों के पैसे फंसे हुए हैं या वो लोग किसी इन्वेस्टर्स के कहने पर पैसा मांगने राधेश्याम के घर गए थे। और साथ ही साथ इस घटना से परिजनों व रिश्तेदारों की जान को खतरा बना हुआ है और परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। और इसी तरह शहर की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़।